पल्स तो भी मिलेंगी एंड एक्सपी भी काफी ज्यादा मिलने वाली है काफी ज्यादा फार्म इजी है सो जल्दी से भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई मैं जल्दी से फार्म को बनाने के लिए सामान लेता हूँ इस फार्म में जितनी भी चीजें लगने वाली सब चीजों का मैंने डिस्क्रिप्शन में नाम और सब चीजें लिख दी है कितनी कितनी लगने वाली है आप जाकर चेकआउट कर सकते हो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंटर डावन को मार देता हूँ यार वरना ये मुझे परेशान करेगा अगर आप लोग सर्वाइवल में बना रहे हो तो पहले एंडा डाइवन को मारना ही पड़ेगा तभी तभी तो आप उसमें एंड में आओगे सो भाई जल्दी से यहाँ पर एंडा डावन को मार दिया है अभी सबसे पहले जहाँ पर एंडा डाइन मतलब रहता है वो बेड रॉक का जो बना हुआ था तो मुझे उसका नाम याद नहीं उससे आपको दस ब्लॉक पीछे आ जाना है मतलब कहीं भी जा सकते हो आप दस ब्लॉक एंड यहाँ पर आपको नाइन ब्लॉक इस तरीके से डिक कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड जाना है फोर्टी यानी कि चालीस ब्लॉक नीचे हमें यहाँ पर डिग करना है तो मैं हूँ सिक्सटी टू पर तो मैं ट्वेंटी टू लेवल तक यहाँ पर जाना है तो मैं जल्दी से यहाँ पर डिगिंग स्टार्ट करता हूँ भाई तो गाइस अपना पूरा का पूरा यहाँ पे खोद दिया है मुझे छः छः ब्लॉक आगे की तरफ खोदना है तो मैं यहाँ पर खोद देता हूँ भाई छः ब्लॉक खोद दिया और छः ब्लॉक और खोद देता हूँ एंड ऊपर की साइड भी मुझे इसको खोद देना है ताकि मैं ऊपर से नीचे के लिए एक्सेस ले पाऊँ ताकि मैं जब कलेक्ट करने आऊँ तो मतलब सामान कैसे कलेक्ट करूँगा और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर स्टेयर्स भी लगा दूंगा सॉरी लेडर्स लगा दूंगा और मैं यहाँ पर ट्रैपडोस भी लगा देता हूँ ताकि कोई भी एंडरमैन नीचे ना जा पाए अब यहाँ पर जो हमारा क्लिंग चेंबर था इसके ऊपर भी मैं ट्रैपडोर्स लगा दूंगा ताकि भाई जो एंडरमैन से उनको ये लगे कि यहाँ पर पूरा ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएँ तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे सारे के सारे ट्रैपडोर्स एंड इसको खोल देंगे नीचे चलते हैं हम नीचे का काम है हमारे पास यहाँ पर ये एंडरमैन इसको मार देते हैं अब यहाँ पर लगा मुझे तीन तीन ब्लॉक खोद दें तो मैं यहाँ पर तीन ब्लॉक खोद देता हूँ नीचे को दो ब्लॉक खोद दें एक यहाँ पर लगा देनी है हमें रेड स्टोन टॉर्च उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाना है दूसरी साइड भी यही वाला सिस्टम हमें कर लेना है तीन ब्लॉक खोदे दो ब्लॉक नीचे की तरफ खोदे एंड एक रेड स्टोन टॉर्च लगाकर उसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया एंड अब लगा देनी है हमें पावर ड्रिल दो यहाँ पर लगा देनी है और दो दूसरी साइड भी लगा देनी है एंड इन दोनों को हमें कनेक्ट कर देना है सिंपल रेल के जरिए तो यहां पर मैं रेल निकाल लेता हूँ एंड इसके द्वारा मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से बेसिकली इसके अंदर हमारे माइंड कार्ड पर घूमने वाली है ताकि हमारा सारा सामान कलेक्ट हो सके यहाँ पर दो होल करके यहाँ पर मैं चेस्ट लगा दूंगा ये वाला ब्लॉक भी तोड़ दूंगा और यहाँ पर चेस्ट लगा देते हैं भाई जल्दी से इधर की साइड में यहाँ पर ये यह वाला चेस्ट तोड़ता हूँ गलती से लग गया था यहाँ पर मुझे लगाना है हॉपर एंड हॉपर के ऊपर दोबारा से लगा दूंगा एक और रेल एंड अब यहाँ पर मुझे गए नौ पूरे के पूरे आ, स्लैब लगाने हैं किसी भी चीज़ के आप स्लैब लगा सकते हो मैं तो स्टोन ब्रिक्स लगा रहा हूँ एंड भाई मैं एक चीज़ तो यहाँ पर भूली गया मैं माइन क्राफ्ट चेस्ट लगाना तो भूल गया सॉरी माइन क्राफ्ट विद हॉपर ये मुझे यहाँ पर लगा देनी है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एंड इसको चला देते हैं ताकि चलती रहे एंड यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं ऊपर चलते हैं कहा ऊपर का हमारा काम है पूरा का पूरा फार्म कंप्लीट हो जाएगा बस एक चीज़ रहेगा ये जिससे हमारे एंडरप्रैंस यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक रखना है सेंटर में एंड इसके ऊपर तीन ब्लॉक लगा देने ऊपर के एक ब्लॉक छोड़ के नीचे वाले तीन ब्लॉक पूरे के पूरे तोड़ देने एंड ऊपर वाले ब्लॉक के बराबर में एक और ब्लॉक लगाना है एंड इसको पूरे का पूरे को हमें कवर कर देना है कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा, पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें रेल्स वगैरह लगा देनी है एंड यहाँ पर यहाँ पर को स्पॉन करना अगर आप सर्वाइवल में बना रहे हो तो एंडरमाइट को स्पॉन कर सकते हो एंडरपल्स के जरिए से एंडरपल्स मार मार के तो भाई सोलह या दस में एंडरपल आपको चाहिए होंगी उसमें से एक दो बार आपका एंटरमेट स्पॉन हो जाएगा तो मैं यहाँ पर क्रिएटिव में कर रहा हूँ तो मैं यार ऐसे स्पॉन कर देता हूँ उसके एग से एंड्रमेट स्पॉन करने के बाद आपको यहाँ पर उसे नेम टैग दे देना है ताकि वो डिस्पॉन न हो जाए एंड एक माइन कार्ड में उसको बिठा देना है ताकि वो कहीं जा ना पाए अब यहाँ पर गाइस हमें इसके ऊपर स्लैब लगा देना है माइन कार्ड के ऊपर ताकि वो कहीं हिर ना पाए ताकि नीचे गिर जाएंगे तो भाई एंडरमैस को मार देंगे क्योंकि इसी के जरिए हम एंडरमैनस को अग्रेसिव करेंगे ताकि वो हमारे फार्म में आ और इसी के तरीके से हमारा फार्म वर्क करने वाला है सो आपको जहाँ पर एंड्रमेट बैठा है मतलब कि उस वाली माइन कार्ड को छोड़कर बाकी सारे ब्लॉक्स को तोड़ देना है सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एंड्रमेट सॉरी एंडरमैन कैसे यार मतलब कंफ्यू

और हाँ अगर आप लोग को लगता है कि आपके फल्ड में एंडरमैन कम स्पॉन हो रहे हैं तो आप अपने गेम मोड को हार्ड पर कर सकते हो जिससे एंडरमैन ज़्यादा स्पॉन होंगे तो आपके फार्म में भी ज़्यादा आएंगे एंड आपको अनलिमिटेड मतलब और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस जल्दी जल्दी मिल तो इसी तरीके से हमारा फार्म यहाँ पर वर्क करने वाला है सो आई होप आपको यह वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी एंड मिलते आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर